हो गया ना? यहाँ पे अभी टाइम लैप्स शूट हो रहा है, ठीक है। तो ये है आई लव जीसी के सामने है एबीजेएचआर एंड बीएचआर, दो बॉयज़ हॉस्टल एंड दिस इज़ द गर्ल्स हॉस्टल। पूरा जूम मत करना पीछे सर, पीछे थोड़ा अल्टर स्टडी में करना था। मैं डीजे नाइट का वीडियो शूट करके डाला था अपने चैनल पे। टुडे इज 25 जुलाई 2022 और टाइम लगभग 5 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग टूल में शूट कर रहा हूँ। ये अपना कॉलेज का, जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का भवानीपटना का, जो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। राइट नाउ अभी थर्ड ईयर में हूँ, मतलब 6 सेमेस्टर मेरा इस बार, मैं कुछ महीने के बाद मेरा सेमेस्टर आने वाला है। तो यहाँ पे एक ठो प्रोजेक्ट है फ्यूचर रेडी कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम नाम से, जो कि प्रिया मैम हम लोग उनको गाइड करते हैं। तो उन्होंने एक बात बोला था, ठीक है, सोसाइटी में आप लोग क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे पूछे, मैडम मुझे पूछे कि क्या कंट्रीब्यूट है, तो मैं बता दिया कि मैं मतलब कंटेंट क्रिएटर हूँ फॉर यूट्यूब। यूट्यूब के लिए कंटेंट बना के मैं डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, ऐसे मैं बोला। तो मैम भी बोली कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट तुमको बनाना है वीडियोग्राफी के अंदर, तो आज वो ही शूट करना है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं ये सब जो वीडियो शूटिंग या और फोटोग्राफी हो गया, वीडियोग्राफी हो, किससे इंस्पायर होके ये सब मैं किया। ये पहले मैं नहीं करता था, पहले मेरा खाली बस एक ही काम था। पापा मम्मी बोलते हैं कि स्कूल जाओ, स्कूल से पढ़ के वापस आओ, घर में 2-3 घंटा पढ़ो, दो तीन घंटा खेलो, और बस हम लोगों का मतलब बचपन से ही, मैं जितना भी उड़ीसा में देखते आया हूँ कि हर जगह पे खाली एक ही नारा, एक ही मतलब चलता है सबका घर में। मुझे पता है आप जो भी मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं उनके घर में भी यही सिचुएशन रहेगा कि पढ़ाई खत्म हुआ तो नौकरी, नौकरी के बाद कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उड़ीसा में जितने भी बच्चे हैं। कितना गलत बोल रहा हूँ, कितना सही बोल रहा हूँ आप लोगों को पता चल पाए। मैं ब्लॉग बनाता हूँ एंड मेरा मतलब ब्लॉग चल रहा है मेरा चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, एक बाई कर हो गए। और ये जो मैं वीडियोग्राफी हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये जो चीज़ मैं करना शुरू किया 2020 में शुरू किया था, किससे इंस्पायर होकर ये सब शुरू किया। माई पैसन इन फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इन दिस एरिया, आई नो ए गाय हुज नेम इज़ मोहम्मद सलीम खान, नोन एज MSK। व्हेन ही वाज एज्ड इन 21, ही ओन यामाहा YZF R1, जो कि 1000cc का सुपर बाइक है। मतलब जब 21 साल में वो थे तब वो 20-22 लाख का सुपर बाइक यूज़ करते थे। तो इससे पता चलता है कि आजकल के टाइम में वीडियो एंड फोटोग्राफी में कितना स्कोप आ गया है। मैं अपना टाइम यूट्यूब के लिए निकालता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, और जो भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ सब यूट्यूब के लिए। क्योंकि मतलब मैं ये पहले इतना मेरा मन नहीं था कि मैं ये सब वीडियो जैसे पीछे चला ये सब ब्लॉग शूट करूँ, बट 2020 में ऐसा कुछ हुआ जैसे कि कोरोना काल में इतना सब प्रॉब्लम्स वगैरह हुए, तो बहुत फ्री टाइम बचा मेरे पास। तो पढ़ाई के अलावा भी मेरे पास ऐसे 6-7 घंटे ऐसे बचते थे कि मैं सोचता था कि क्या करूँ उसमें। वेब सीरीज़ देख सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, टाइम वेस्ट तो किसी चीज़ में मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो टाइम को किसी अच्छे जगह पे यूज़ करने का यूटिलाइजेशन के लिए तो मैं यूट्यूब में आया। जब मैं यूट्यूब में आया तो MSK भाई को मैं पहले से 2016-17 में देखा था, तो उनका मुझे इतना अच्छा लगता है मतलब ब्लॉग्स देखना, अभी भी मैं देखता हूँ। अभी राइट नाउ अभी कुछ 15-20 मिनट पहले अभी एक नया ब्लॉग वो डाले, वो ब्लॉग्स देख के मैं अभी शूट कर रहा हूँ खुद का, क्योंकि मुझे इंस्पायर मतलब मैं देख के उनको इंस्पायर हो जाता हूँ, इसलिए मैं शूट करने के लिए बैठ गया हूँ, ठीक है। और अभी खुद से भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और आगे भी मैं ऐसे सीखता रहूँगा। मेरा लाइफ में ऐसा है कि जो भी हो जैसे भी हो चलते चलो, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, सिंगिंग डांसिंग जो भी है आपका टैलेंट, जो भी सिंगिंग गेमिंग जो भी है, जैसे मैम बताई कि आपका लाइफ में आप जो भी करते हैं, जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू में मैं आपको बता दिया कि मैं किससे इंस्पायर हुआ था। और राइट नाउ अभी उनका
यूट्यूब चैनल पे कितना 16 प्लस लाख सब्सक्राइबर अभी है। तो बात यह है कि ये जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये मैं MS के मोहम्मद सलीम खान फ्रॉम मुंबई, उनसे इंस्पायर होके मैं ये लाइन मतलब ये वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मैं काम करना शुरू कर दिया। एंड हमेशा भूल जाता हूँ, मेरा दोस्त लोग भी मुझे बोलते हैं कि क्या तुम भूलता है अपना ब्लॉग में, तो वही चीज़ मैं अभी भूल गया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग के साथ। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक बाइकर। लेट्स गो गाइस, चलते हैं, रूम से बाहर निकलते हैं, गियर्स वियर्स पहनते हैं, गाड़ी लेके बाहर जाते हैं कुछ अच्छा जगह पे, अपना कॉलेज में अच्छा जगह पे शूट करते हैं और बढ़िया सा आपको लोकेशन मज़ा मौज जो भी आप बोल सकते हो देते हैं। ठीक है, लेट्स गो गाइस। एंड दिस इज माई राइडिंग जैकेट, जो कि आपको मैं वीडियो आ गया है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। तो अभी उसको अभी गियर पहनते हैं। ठीक है बाय। मुझे बहुत प्यार आता है राइडिंग जैकेट देख के। ये मेरा राइडिंग जैकेट है, शूज पहनेंगे और निकलेंगे ब्लॉगिंग करने। पूरा अभी फुल गियर अप हो गया हूँ। ठीक है, और कैसा लग रहा हूँ मुझे कमेंट करना। ये भाई मेरा GoPro सेटअप एंड माय हेलमेट। मानता हूँ हेलमेट थोड़ा पुराना पुराना बूढ़ा टाइप का है, लेकिन आगे जाके इस हेलमेट को भी अपडेट जरूर करूँगा। Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight. You're never gonna look back, cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. एंड अभी मैं हॉस्टल से निकल चुका हूँ। अभी एक जिसे एक छोटा टूर देंगे, ये है वर्कशॉप। ठीक है, यहाँ पे जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, 2 फ्लोर का ये वर्कशॉप है, मतलब ये बिल्डिंग 2 फ्लोर का है एंड यहाँ पे वर्कशॉप है। ठीक है, एंड आगे मेरे सामने है भाई बहुत बड़ा जिसी के फील्ड। यहाँ पे सब एनुअल स्पोर्ट्स वगैरह जितना सब क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, हर कुछ यहाँ पे भाई होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी टाइम लैप्स शूट हो रहा है। ठीक है, बस एक चुटकी में देख के आइए। सामने है ABJHR एंड BHR, दो बॉयज हॉस्टल एंड दिस इज द गर्ल्स हॉस्टल। एंड नेक्स्ट जाएंगे अभी हम लोग उनका कॉलेज पे। ओके, ये यहाँ पे जो स्टेज है, यहाँ पे जितना एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं यहाँ पे होते हैं। एंड मैं एनुअल फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो कृपया थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत मज़ा आया था। मैं डीजे नाइट का वीडियो शूट करके डाला था अपने चैनल पे, अगर देखे नहीं होते मैं नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। मेरे सामने दिखा, पूरा जूम मत करना, पीछे सर पीछे थोड़ा अल्टर स्टडी में करना। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलेज में इतना कुछ अभी बना नहीं है क्योंकि 2000
2009 में ये कॉलेज इन्वाइट हुआ था। तो ये है आई लव जी सी के, ये अभी अभी एक ठो बना है और बहुत अच्छा बना है। यहाँ शाम को मतलब जब शाम हो जाता है तब यहाँ पे अपना लाइट जलता है और वहाँ से पानी निकलता है, वहाँ इस जगह से ये मटका से पानी निकलता है, बस यही इसका खासियत है। ठीक है, बस रात में ये ब्लिंक करता है एंड दिस इज द एग्जिट गेट। अभी बहुत गर्मी महसूस हो रहा है इसलिए थोड़ा जैकेट वो ओपन कर देते हैं। और ये कॉलेज लगभग 2009 में बना था, ठीक है, इतना अभी मेंटेन नहीं हो रहा है क्योंकि 2020 से लेकर 2023 तक जो जितना कोरोना भी का पेंडेमिक सिचुएशन में जितना भी सब हुआ है इसलिए कॉलेज का थोड़ा मेंटेनेंस में नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। ओके, और मुझे आई थिंक मैम को ये छोटा सा पेरोल अच्छा लगेगा। और क्या लगता है, पीछे मेरा प्रीतेश भाई खड़ा है, क्या लगता है अच्छा लगेगा मैम को? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, तो फाइनली हम लोग अभी कॉलेज गेट से निकल चुके हैं एंड ये है बीकेएस इंस्टीट्यूट। मैं वो ब्लॉग में बोल दिया था बीकेएस यूनिवर्सिटी है, बीकेएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है। ये कॉलेज कैंपस में बैंक भी है और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी है एंड बस आज का जो कॉलेज टूर था इतना ही। बस एन एच में लग के जस्ट राइट साइड में आप जूनागढ़ से आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में पड़ जाएगा और यहाँ से अपना भवानीपटना सिटी से आओगे तो आपको राइट साइड में पड़ जाएगा। आप तो क्या हो? 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 आप तो क्या हो